Clear Basics, changing the way of learning. Please like, share and subscribe. Clear Basics, changing the way of learning. Please like, share and subscribe. हेलो दोस्तों, क्लियर बेसिक्स में आप सबका फिर से स्वागत है। यहाँ इस चैनल में हम सीखने की तरीके को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको पढ़ने में एक तागिद महसूस हो सके, ताकि आप जीवन की हर उस मकाम में सफलता प्राप्त कर सके। कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिलते जाए। उम्मीद है आप सब इस कठिन समय में अपना ख्याल रख रहे हैं। बार बार हाथ धोना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहने की प्रयास करें। सतर्क रहे, स्वस्थ रहे, यही आशा करती हूँ। और अगर आपको इस चैनल से जुड़ी या हम लोगों के पढ़ाने की तरीके से कोई भी समस्या हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी प्रयास करेंगे। कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी। आज की वीडियो में मैं पिछले हफ्ते की पहेली का उत्तर देने वाली हूँ, और एक नई पहेली भी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिमझिम किताब का दूसरा अध्याय, आम की कहानी। ये आम की कहानी एक चित्र कथा है, जिसमें बहुत सारे चित्र तुम सब बच्चों के लिए दिया गया है, जिसे देख के तुम सभी को एक कहानी का गठन करना होता है। यहाँ मैंने तुम सभी बच्चों की सुविधा के लिए खुद से एक कहानी का गठन किया है, इन सारे चित्र को देखते हुए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है कहानी। अगर तुम सब चाहो तो मैं जब कहानी पढ़ूँगी तो तुम सब उसे नोट डाउन कर सकते हो, इससे तुम्हें सुविधा होगी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आम की कहानी। पहले चित्र में एक लड़की ने आम के एक पेड़ पर लटका हुआ एक पका आम देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। सामने के पेड़ में बैठा एक कौवा भी ललचाई नज़रों से आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके हुए आम पर निशाना लगाने को कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपने चोंच में दबोच लिया। किंतु पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ा, तो मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। कौवे की चोंच से आम छूट गई और पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी, ये सब है गिलहरी, पेड़ पर बैठे गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। तभी घोंसले के अंडे फूट गए तथा उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए और काँव काँव करने लगे। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूट गया और पेड़ के नीचे बैठकर सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। ये देखिए, पगड़ी पर गिर गया आम। लड़की और लड़का खुश हो गया। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम को उठा लिया। वो बहुत खुश थे। लड़का भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो गया था। तो यही ख़त्म होती है कहानी। ठीक है बच्चों, अब मैं फिर से कहानी को दोबारा एक बार आप सबके लिए पढ़ देती हूँ। ठीक है, आम की कहानी। एक लड़की ने आम के एक पेड़ पर लटका हुआ एक पका आम देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। सामने के पेड़ पर बैठा
एक कौआ भी ललचाई नज़रों से उस आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौआ फुर्ती से उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया, किंतु पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौआ जैसे ही आगे बढ़ा मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। कौए की चोंच से आम छूट गया और पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा। घोंसले में कौए ने अंडे दे रखे थे। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। तभी घोंसले के अंडे फूट गए तथा उनमें से कौए के बच्चे निकल आए और काँव काँव करके शोर मचाने लगे। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठकर सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। लड़की और लड़का खुश हो गया। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम उठा लिया। वो बहुत खुश थी। लड़का भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो गया। यही होता है कहानी का अंत। अब शायद तुम सब बच्चों को समझ आ गया होगा कहानी और सारे चित्र भी स्पष्ट हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता है प्रश्न अभ्यास। यहाँ पे तुम सब बच्चों को पूछा गया है कि लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो चलिए देख लेते हैं चित्र में पहले क्या आया है कहानी में। कहानी में पहले एक लड़की को हमने देखा था, तो पहला क्या हुआ? फिर पहला हुआ लड़की। देखिए यहाँ पे पहला उत्तर है आप सबका लड़की। फिर क्या आया कहानी में? फिर आया एक कौआ जो ललचाई नज़रों से उस आम को देख रहा था। तो फिर आया कौआ। फिर कहानी में आया वो लड़की के भाई, लड़की का भाई। वो भाई को गुलेल से आम को तोड़ने के लिए कहा था। फिर क्या आया? फिर आया गुलेल। फिर आया गुलेल। फिर देखिए फिर क्या आता है? फिर आता है, हाँ बिल्कुल सही, मधुमक्खियों का छत्ता। फिर आता है वो घोंसला जिनमें कौए ने अंडे दे रखे थे। और जब वो अंडे फूटा तो क्या निकला उसमें से? हाँ, कौए के बच्चे। तो फिर आता है कौए के बच्चे। और अंत में आता है वो सोता हुआ आदमी जिसके पगड़ी पर आम जाके गिरता है। तो अंत में आता है सोता हुआ आदमी। आगे क्या है देखते हैं। आगे यहाँ पे आप लोगों के लिए खाली जगह दिया हुआ था और उसे आप लोगों को भरना था। तो यहाँ पे मैंने खाली जगह को भर दिया है। पहला उत्तर है डैश के हाथ में, तो ये होगा लड़के के हाथ में। फिर होगा पेड़ के ऊपर, प्रश्न था डैश के ऊपर, तो क्या होगा? पेड़ के ऊपर। फिर था डैश में, तो यहाँ होगा घोंसले में। फिर है पेड़ के डैश, ये चौथा वाला प्रश्न और दूसरा वाला एक ही है, सिर्फ घुमा फिरा के दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पे पेड़ के नीचे डैश दिया गया था और यहाँ पे ऊपर के नीचे डैश दिया गया है, तो यहाँ पे होगा पेड़ के ऊपर। और अंत में होगा डैश के सिर पर, तो यहाँ होगा आदमी के सिर पर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आप सबका प्रश्न अभ्यास। अब मैं बताने वाली हूँ पिछले हफ्ते की पहेली का उत्तर। पिछले हफ्ते की पहेली क्या था? पिछले हफ्ते की पहेली था, तीन आँख है उसके फिर भी रहता तीनों बंद,
अंदर सरोवर भरा कहाँ से, मेर है सदा रंग। तीन आँख है उसके फिर भी, रहता तीनों बंद। अंदर सरोवर भरा कहाँ से, मेर है सदा रंग। आंसर होगा नारियल। ठीक है, अब आज की पहेली देख लेते हैं। आज का पहेली है, एक चले चीते का चाल, दूजा घोड़ा होए, तीसरे चले हाथी के चाल, फिर भी सामना होए। एक चले चीता के चाल, दूजा घोड़ा होए, तीसरे चले हाथी के चाल, फिर भी सामना ना होए। तो क्या है ये बताइएगा, मैं अपनी अगली वीडियो में इसका उत्तर दे दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आप सबको इस चैनल के ज़रिए और ज़्यादा जानकारी प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हम लोगों के साथ इस तरह से जुड़े रहने के लिए और हम लोगों को इस तरह से प्यार और हिम्मत देने के लिए। आशा करती हूँ आप सब ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे, ताकि हम और आप एक परिवार की तरह एक साथ सारी समस्याओं का हल कर सके। हम लोगों के फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को PDF और बाकी जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर दिस सेशन। इफ यू वांट टू बी अपडेटेड विद द नोटिफिकेशंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।